Good morning, students. How are you? I am Binu Singh, present here to prepare how prepare alkyne, okay, and their chemical properties. Okay, so students, take the pen and copy and start making the note. Okay, students. Okay. Propose adding alkyne. आप प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने अल्कीन के बारे में पढ़ा था. ओके, अल्कीन का नामनक्लेचर देखा था, अल्कीन का प्रिपरेशन देखा था, अल्कीन के कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को मैंने बतलाए थे. ठीक है, आज हम अल्काइन. तो बच्चों, अल्काइन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होता है. कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों. इसका जनरल फार्मूला बच्चों होता है CnH2n-1. यदि मान लो बच्चों n बराबर 1 तो हमारा अल्काइन नहीं होगा. There will be no alkyne with one carbon atom. ओके, मान लीजिए कि n बराबर 2 रख दे बच्चों, तो अल्काइन होगा C2H2. इसको कहा जाता है बच्चों इथाइन. क्या कहते हैं? दो कार्बन है, एथ और ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन. जनरल नेम होता बच्चों एसीटिलीन. जनरल नेम क्या होता है? एसीटिलीन. ओके बच्चों, जनरल नेम है. इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो ऐसे होगा स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर हो गया ये इथाइन का या एसीटिलीन का. ओके बच्चों, ये गैस होता है. इथाइन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? गैस होता है. और इस गैस का कोई ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरलेस गैस होता है. ऑर्डरलेस जब प्योर फॉर्म में होता है तो ऑर्डरलेस होता है. इथाइन या एसिटिलीन, ओके, जब प्योर फॉर्म में होता है उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिक्स होती है तो ऑर्डरलेस होता है. पर इस गैस में जब मिक्सचर हो जाता है, ठीक है ना, इम्प्योर, यदि इम्प्योर इथाइन है तो उसमें से गार्लिक ऑर्डर आता है. गार्लिक ऑर्डर आता है. और ये गार्लिक ऑर्डर क्यों आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन गैस. ओके, तो फॉस्फीन गैस के कारण एसिटिलीन या इथाइन गैस गार्लिक ऑर्डर का हो जाता है. ठीक है, प्योर फॉर्म में यदि है तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता. यदि इम्प्योर इथाइन गैस है तो उसमें गार्लिक की स्मेल आती है, लहसुन जैसा स्मेल करने लगता है बच्चों. ठीक है, तो ये तो रहा अल्काइन के बारे में कुछ जानकारी. अब आइए हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं बच्चों. मेथड ऑफ प्रिपरेशन मिटाएं. ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन.
तो पहला मेथड होता है बच्चों फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को हम ट्रीट कराते हैं वाटर से तो हमको इथाइन गैस प्राप्त हो जाती है। बच्चों कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला था CaC2, इसको रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो बन जाएगा C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, यह हो गया आपका इथाइन। इसको यदि हम स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो बच्चों कार्बन कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड और कैल्शियम जो होता है इसकी वैलेंसी दो होती है। अभी कार्बन की तीन तीन वैलेंसी पूरी है, इसको कैल्शियम के द्वारा हम जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा बच्चों वाटर के साथ, इस तरह से मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि कौन किसके साथ जुड़ता है, ठीक है। वो CA और OH एक साथ चला जाता है, CaOH होल ट्वाइस बन जाता है प्लस ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, साथ ही साथ इससे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसको कहते हैं इथाइल, ओके, या एसिटिलीन कहते हैं, या एसिटिलीन। तो बच्चों ये बनाते समय इसमें फास्फीन की ब्यूटी पाई जाती है, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फीन गैस एज इंप्योरिटी इट हैज गार्लिक स्मेल, गार्लिक स्मेल, ओके। इसको टू रिमूव दिस इंप्योरिटी इस इंप्योरिटी को दूर करने के लिए, ओके, पास दी गैस, पास द गैस थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन K2Cr2O7 सोल्यूशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन जो है, ठीक है ना, जो गार्लिक स्मेल वाली जो वो फास्फीन गैस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस प्रकार से हमको प्योर इथाइन गैस मिल जाता है। नोट करें, नोट करिए, हो गया बीटा रहा है, ओके, बीटाते हैं। अब सेकेंड मेथड, पहला मेथड हो गया, अभी दूसरा मेथड है बच्चों, तीसरा मेथड है फ्रॉम 1.2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है, 1.2 डाइब्रोमो इथेन से हम अल्काइल प्राप्त करेंगे, इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इसमें, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेट होगा। चलिए पहले 1.2 डाई ब्रोमो इथेन बनाते हैं, दो कार्बन इथेन में होगा, यहां पर ब्रोमीन जोड़ा, यहां पर ब्रोमीन जोड़ा, और कार्बन की चार चार वैलेंसी पूरी करनी है, हाइड्रोजन लगा देंगे,
ये हो गया आपका वन कामा टू डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। इसको बच्चों आप ट्रीट कराओगे के ओ एच से, यह के ओ एच कैसा होगा, एल्कोहलिक होगा, एल्कोहलिक, ठीक है। यहां से होगा क्या कि ब्रोमिन इस तरह से ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ब्रोमीन जो होगा माइनस के रूप में निकलेगा, हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलेगा, यहां ब्रोमीन माइनस के रूप में और हाइड्रोजन प्लस के रूप में। ये जो है बच्चों ये भी टूट जाएगा, ये के प्लस के रूप में और ओ एच माइनस के रूप में, चूंकि दो पी आर है तो टू मोल्स ले लेंगे, ठीक है, तो बनेगा टू के बी आर प्लस एच आयन और ओ एच आयन, एच आयन और ओ एच आयन, टू एच टू प्लस यहां पर हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, चार बैलेंसी पूरी करनी है, ये हो गया, ये बन गया इथाइन गैस, इथाइन गैस, ठीक है ना बच्चों। ये रिएक्शन हो गया, एल्कोहलिक की वजह से लेना बहुत ही आवश्यक होता है, यदि एल्कोहलिक न लिया जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, और हमें दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख देते हैं, सी टू एच फोर बी आर टू प्लस टू के ओ एच, जो के ओ एच कैसा है, एल्कोहलिक है, एल्को इट विल गिव टू के ओ के बी आर प्लस टू एच टू ओ प्लस सी टू एच टू इथाइन गैस। तो बच्चों या एसिटिलीन गैस, ये दूसरा मेथड था बच्चों, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें से ये जो हमारा हेलो एल्केन था उसमें से, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड जो है एलिमिनेट हुआ, उसको कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दो दो जो है हाइड्रोहैलोजन जो है एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है ना, एच बी आर एच बी आर जो है अलग हो रहा है, और ये क्रमशः के और ओ एच से अटैच होकर के बी आर और एच टू ओ बना ले रहा है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज, मिटाया जाए, ये दो ही मेथड से बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ फिक्स करके हम एसीटीडी या इथाइन गैस बनाते हैं, प्योर फार्म में ये नहीं बनता है, ओके, इसमें फास्फीन गैस की इम्प्योरिटी आ जाती है, जिस कारण से इथाइन गैस में गार्लिक की स्मेल आती है, ऑर्डर आता है। इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हमको गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सॉल्यूशन से पास कराना पड़ता है, जब सब K2Cr2O7 सॉल्यूशन से इसको पास करा देते हैं तो हमको प्योर एथाइन या एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। दूसरा मेथड बच्चों वन कामा टू टाइप ब्रोमो इथेन के एलिमिनेशन से, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो है हम रिएजेंट यूज करते हैं एल्कोहलिक के ओ एच, एल्कोहलिक के ओ एच, ठीक है ना। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मिटाया जाए इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, तो बच्चों इसमें आप जानते हो कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, अर्थात ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसा है, अनसैचुरेटेड, ठीक है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता था वह भी अनसैचुरेटेड होता था। कैसा रिएक्शन देता था ये? एडिशन रिएक्शन देता था, ये एडिशन रिएक्शन देता था। तो ये भी जो है बच्चों हमारा एडिशन रिएक्शन ही देगा। कौन सा रिएक्शन देगा? एडिशन रिएक्शन। ओके, जबकि अल्केन जो होते हैं बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ओके, तो हमको एडिशन रिएक्शन देखना है इथाइन का या अल्काइन का, इसी का हमको एडिशन रिएक्शन आपको पढ़ना है। ये तो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो और ये भी उसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हो, ठीक है ना। तो हम मिटाते हैं और हम पढ़ाते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मिटाया जाए। ओके, तो पहला हेडिंग लगाएंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो हम अल्काइन ले लेंगे, हाइड्रोजन ऐड कराएंगे। निकल कैटलिस्ट फ्यूज होगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, होगा क्या यहाँ पर एक बांड टूट जाएगा, ठीक है, दो ही बांड बचेंगे। तो एक जो है इसकी वैलेंसी कम पड़ गई, हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, पर यहीं पर यह रुकता नहीं, हाइड्रोजिनेशन जो है यहीं पर रुकता नहीं, फिर आगे होगा, हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल आएगा, एक और बांड ये टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फिर कम हो गई, वहां पर एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। देख रहे थे यहां पे हमारा इथाइन था, बन गया क्या? इथेन। मतलब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चेंज हो गया। बच्चों ये बीच में ये चीज बनता नहीं है, ये वास्तव में बनता यहाँ पर पता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो निकल कैटलिस्ट होता है बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही तेजी से जो है ना इसको रिड्यूस करवा देता है, ठीक। तो इसको यदि हम बैलेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिखें हो जाएगा C2H2। कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है? दो, H2H2। निकल का ट्रेस्ट यूज हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बन गया C2H6, ठीक है। तो अल्काइन से अल्केन बन गया सीधे, क्या बन गया? अल्काइन से अल्केन, अनसैचुरेटेड प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल का एटलीस्ट 200 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। तो ये होता है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन के द्वारा जो होता है वेजिटेबल आयल को वनस्पति घी में चेंज किया जाता है बच्चों, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के द्वारा वेजिटेबल आयल जो होते हैं उनको, ठीक है, वनस्पति घी में वेजिटेबल आयल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, हाइड्रोजन
सप्लाई किया जाता है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 200 डिग्री से बन जाता है वनस्पति घी। क्या बन जाता है? वनस्पति घी बन जाता है। तो बच्चों हाइड्रोजनेशन, ये भी रिएक्शन जो है हाइड्रोजनेशन का ही एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हाइड्रोजनेशन, आता है एग्जाम में, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होना है प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, मिटाया जाए, मिटाते हैं। ओके, दूसरा है बच्चों एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज सॉल्वेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब देखते हैं जैसे ये है आपका एथाइन, ब्रोमीन का एडिशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर। तो बच्चों ये जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। बनेगा क्या, एक बांध टूटेगा यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अभी ये स्टॉप नहीं होगा, यही पर रिएक्शन रुकता नहीं है, दोबारा जो होगा Br2 इन CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और पूरी तरह से जो है ये सैचुरेट हो जाएगा। ये बन गया बच्चों 1.1 2.2 टेट्रा ब्रोमो इथेन बन गया। और ये बच्चों होता है कलरलेस, कैसा होता है कलरलेस, तो इसको हम ब्रोमीन टेस्ट भी कहते हैं। ब्रोमीन टेस्ट कौन देगा? ब्रोमीन टेस्ट जो होगा बच्चों अल्कीन देंगे, अल्काइन देते हैं और अल्केन नहीं देते हैं। अल्केन जो होते हैं ब्रोमीन टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन दोनों ब्रोमीन टेस्ट देते हैं, ठीक। तो इसको यदि हम बैलेंस ग्रुप में लिखें तो हो जाएगा C2H2। कितने मॉलिक्यूल ब्रोमीन के हुए? 2 मॉलिक्यूल, 2 BrCl4H सॉल्वेंट बनेगा C2H2Br4। ठीक, ये कलरलेस होता है, कैसा होता है कलर लेस, और ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। यहां से ये यूज हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन में, अल्काइन को अल्केन से आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रोमीन टेस्ट यूज किया जा सकता है। मान लो परीक्षा पूछ जाए कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई अल्काइन फ्रॉम अल्केन, ब्रोमीन टेस्ट करा दोगे, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस से ब्रोमीन जो है अल्काइन से रिएक्ट करके कलरलेस कंपाउंड बना लेता है, जबकि अल्केन ऐसा रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना बच्चों। मिटाया जाए, तीसरा एडिशन रिएक्शन है बच्चों, मिटा देते हैं।
ओके एडिशन ऑफ ओएच ओएच का एडिशन कराएंगे किससे होगा कौन देगा ओएच उसके लिए कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन कियरमेनोफोर यूज करना पड़ेगा ठीक है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन कियरमेनोफोर इसको कहते हैं बच्चों बेयर्स रिएजेंट बेयर्स रिएजेंट वास्तव में इसका कलर जो होता है बच्चों पिंक होता है कुछ लोग पर्पल भी कहते हैं इसको ठीक है तो ये भी जो है ना टेस्ट के लिए यूज होता है जितने बायस टेस्ट कौन देगा अल्केन नहीं देगा अल्केन देगा अल्काइन भी देगा पिछले लेक्चर में अल्कीन का बायस टेस्ट भी लिखवाया गया था ठीक है तो इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है सिंपल जो है हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं इसके ऊपर हम लिख देंगे क्या लिखेंगे कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन की एमएनओ4 ओके यहां प्रोडक्ट बन जाएगा कलर लेस प्रोडक्ट बन जाता है ये जो की एमएनओ4 होता है बच्चों ये किस कलर का होगा पिंक कलर का होगा या पर्पल कलर का मीन्स एथाइन डी कलराइज द पिंक और पर्पल कलर आर कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ओके अल्किन आल्सो डी कलराइजेस पिंक और पर्पल कलर ऑफ KMnO4 बट अल्केन डज नॉट डी कलराइज पिंक और पर्पल कलर ऑफ KMnO4 ओके सो इट इज यूज टू टेस्ट टू आइडेंटिफाई टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ओके तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बच्चों दो हुए पहला हो गया ब्रोमीन टेस्ट हो गया और दूसरा हो गया बेयर्स टेस्ट ठीक है कौन दोनों टेस्ट देते हैं अल्कीन देते हैं अल्काइन देते हैं पर अल्केन नहीं देते हैं अल्केन नहीं देते हैं तो बच्चों अब एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा आप लोगों को कैसे हम अल्कीन और अल्काइन को टेस्ट करेंगे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अल्कीन भी आपका बेयर टेस्ट दे रहा है ब्रोमीन टेस्ट दे रहा है अल्काइन भी बेयर टेस्ट दे रहा है और ब्रोमीन टेस्ट दे रहा है तो कैसे इन अल्कीन और अल्काइन को हम आइडेंटिफाई करेंगे चलो बच्चों हम इसके लिए अब टेस्ट कराते हैं मिटा दे इसको ओके टेस्ट फॉर अल्काइन ओनली नॉट अल्कीन ओके केवल अल्काइन का टेस्ट होगा अल्कीन का टेस्ट इससे नहीं होगा ये टेस्ट करेंगे तो अल्काइन टेस्ट देंगे और अल्कीन नहीं देंगे
ठीक है। तो दो टेस्ट है बच्चों, पहला टेस्ट होता है कि जो हमारा अल्काइन होगा ठीक है उसको हम ट्रीट कराएंगे, किसे ट्रीट करवाएंगे, अमोनिकल अमोनिकल ठीक है सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 बनता क्या है, व्हाइट PPT बन जाता है, इसमें व्हाइट PPT बन जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। कैसे रिएक्शन दिखला देते हैं, ये कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन एस प्लस के रूप में निकल जाएगा, यहां से भी हाइड्रोजन एस प्लस के रूप में निकल जाएगा, और इससे जो आकर के हमारा क्या जुड़ जाएगा, सिल्वर जुड़ जाएगा। लिख दो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 जानते हैं आयनिक होता है, टू दिया था सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में, ठीक है। तो Ag आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, Ag यहां जुड़ा, यहां पर Ag जुड़ गया, इसको कहते हैं बच्चों सिल्वर एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड, यही बच्चों व्हाइट कलर का होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। इस टेस्ट को जो है अल्कीन नहीं देते हैं, इस टेस्ट के द्वारा जो है हम ये टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों टेस्ट होता है अल्काइन के टेस्ट करने के लिए, हम क्या करेंगे कि जो है अल्काइन ले लेंगे और उसको रिएक्शन करवाएंगे अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ अमोनिकल सोल्यूशन आप क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड से जब ट्रीट करवाएंगे तो हमको रेड या रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, रेड ब्राउन PPT प्राप्त होता है, ठीक है। पता चल जाता है कि हमारा अल्काइन है, क्या है अल्काइन। ये दो टेस्ट रहे बच्चों, इन दोनों टेस्ट के द्वारा जो है हम टेस्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा दिया हुआ दिया गया केमिकल सब्सटेंस जो है अल्कीन है या अल्काइन है। अल्कीन होगा तो टेस्ट नहीं देगा ये दोनों, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, है ना, ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा, जबकि अल्काइन जो होगा वह प्रेसिपिटेट दे देता है, तो ये पहचान हो जाता है अल्काइन, ठीक। उसके बाद आखिरी बच्चों एक प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी कम्बस्टन, तो कम्बस्टन आप लोगों को मैं पढ़ा ही चुका हूं, कम्बस्टन रिएक्शन, कम्बस्टन रिएक्शन, इसमें बच्चों दो है ना, जब फ्री सप्लाई होता है एयर का, फ्री सप्लाई ऑफ एयर C2H2+O2 इट विल गिव CO2+H2O+हीट, बैलेंस करने कैसे क्या पड़ेगी, 2CO2 कर दीजिएगा तो 2×4=5 ये रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है। यदि मान लीजिए कि लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तब क्या होगा, C2H2+O2 इट विल गिव CO+H2O+हीट,
बैलेंस कर लीजिए, टू जीरो ठीक है, दो नहीं तीन, थ्री बाई टू एच टू ओ। ओके, तो ये रहा आपका कंबस्टन रिएक्शन। बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन जो है उसको एक अलग टॉपिक के अनुसार जो है मैं आप लोगों का वीडियो बनाऊंगा, और जितना जल्दी बनेगा उसको यथाशीघ्र जो है आपके सामने मैं पेश करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप ऑन एजुकेटिंग यू एंड योरसेल्फ।